नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। ट्रेनर विक्रम केस को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल ये अपडेट ये है कि जिस कदमकुआं थाना में जब विक्रम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू कुमारी के खिलाफ, अब पटना की पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है। लेकिन एक बारीकी से अगर एक चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ें साफ होती हैं कि पटना की पुलिस आम और ख़ास में बहुत फ़र्क करती है। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई आम इंसान इस तरीके की एफआईआर दर्ज करवाता है कि उनके ऊपर गोलीबारी की गई है, जान से मारने की साजिश की गई है, तो पुलिस उस आरोपी को घर से उठा लेती है। लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल इंसान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो पुलिस उनसे सिर्फ पूछताछ करके ही छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आरोप कोई भी किया हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल हो या फिर वो आम इंसान हो, उन्हें सजा बराबर में मिलनी चाहिए। लेकिन पटना पुलिस ने ये दोहरा चेहरा दिखा दिया है कि अगर हाई प्रोफाइल कोई केस है तो उसके लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। दरअसल आपको बताएं कि ट्रेनर विक्रम के ऊपर 5 गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और उनका आरोप है फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू कुमारी पे। वो इसलिए क्योंकि 18 अप्रैल को ही राजीव कुमार सिंह ने ये धमकी विक्रम ट्रेनर को दी थी कि अगर वो उनकी वाइफ से दूर नहीं रहेगा तो उसे जान से मरवा देंगे। और आपको थोड़ा फ्लैशबैक में अगर ले जाएं तो इस कहानी के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि दरअसल विक्रम ट्रेनर और जो डॉक्टर हैं उनकी वाइफ खुशबू सिंह के एक रिलेशन थे। दरअसल वो लोग घंटों घंटों बातचीत करते थे। जो पुलिस के अपडेट सामने आ रहे हैं और जो पुलिस ने डाटा निकाली है उसमें दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे गए, जिसमें 1100 कॉल किए गए हैं और रात में घंटों घंटों एक दूसरे से वो लोग बातचीत भी करते थे। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी खुशबू सिंह को ट्रेनर से प्यार हो गया था और वो ट्रेनर को बात करने के लिए कहती थी। जब ट्रेनर उनसे दूरी बनाने लगे तो वो भी उनको धमकी देने लगी। इसके बाद इस बात का पता डॉक्टर सीधे तौर पर ट्रेनर को ये चेतावनी दे दी कि अगर वो उनकी पत्नी से दूर नहीं रहता है तो उसे जान से मरवा देंगे। उसी दौरान जब शनिवार के घर से निकला तो दो अज्ञात अपराधी ने उन पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाईं, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने कदमकुआं थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई है डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह और खुशबू कुमारी के खिलाफ, और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन थाना अध्यक्ष विमलेंदु ने कहा है कि अभी डॉक्टर और उनकी वाइफ से पूछताछ की जा रही है और फिलहाल उन्हें छोड़ दिया गया है। अगर ऐसी कोई और जानकारी के लिए हमें लगेगा तो फिर से डॉक्टर और उनकी वाइफ को बुलाया जाएगा। लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पटना पुलिस क्यों इतने भेदभाव करती है एक आम और खास में? क्योंकि अगर कोई आम इंसान ऐसा करता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, और ये खास इंसान है इसलिए इनके साथ बार बार पूछताछ की जा रही है और इन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के एक सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और इसीलिए हमने आपको कहा है कि अब पटना पुलिस भी आम और खास में फर्क करने लगी है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।